And that says, you're welcome. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. Excellency, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है. इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे. एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है. जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है. एक्सलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ. 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं. कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ. एक्सलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए. शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं. हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं. आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है. एक्सलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.